एक मिनट में मैं बताता हूँ ना। एक्सक्यूज मी बॉबी, श्योर श्योर प्लीज। आई बहुत आसान है, देखिए पासवर्ड है, मैं बताता हूँ करी। मेहता साहब ने बचा लिया। सच सच। अरे यहाँ तो बहुत सारे नेटवर्क है। पॉसिबल है ना, सोसाइटी इतनी बड़ी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। वो वीडियो ट्यूशन क्लासेस, उनका ऑनलाइन क्लासेस होता है तो ऑन किया होगा, ऐसे सब कई लोगों ने किया होगा ऐसे। लो सब चले भी गए, चले गए चले गए चले गए, लेकिन मेरा मेहता मेहता ही आ रहा है बस, है ना। हाँ। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं पासवर्ड देता हूँ, ये पासवर्ड देता हूँ डालिए, फिर सीधा हॉटस्पॉट से आपका शुरू हो जाएगा नेटवर्क। ओके, आप फिर ट्रांसफर कर लीजिएगा पैसा। आ गया, आ गया नेटवर्क, आ गया। बस अब 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर उससे एग्रीमेंट छीन के मैं फाड़ दूंगा। ये गाड़ी, ये तो भोगीलाल की गाड़ी है, ये यहां क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भोगीलाल जी सेठ जी को 50 लाख का पेमेंट देने आए हो? ऐसा ही होगा, और क्या कारण हो सकता है? वाह, ये तो सुबह सुबह मस्त गुड न्यूज मिल गई। कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। नमस्ते भोगीलाल जी। अरे ये बागा कहाँ से आ गया? आगा तुम? लगता है भोगीलाल ने बागा भाई को पहचान लिया। अरे बाप रे, तुम्हें तो हमारा प्लान खुल जाएगा और भोगीलाल गुस्सा हो जाएगा और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। खुदाई जी अबे। अरे भोगीलाल जी, ध्यान पहचान बाद में करना, पहले फटाफट पेमेंट कर दीजिए ना। एक मिनट सुन रहा। आगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भोगीलाल जी, आप सेठ जी के घर पे क्या कर रहे हो? सेठ जी का घर? सेठ जी का पेमेंट देने आए हो? नहीं। ओ भाई साहब, कौन सेठ जी? ये कोई सेठ जी का घर नहीं है, आप शायद किसी गलत घर में आ गए। अरे भाई, यहाँ पे कोई सेठ जी नहीं रहते हैं। जाओ 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 जाओ। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, समझत का देखो बेटा, देखो यहाँ तुम्हारा कोई सेठ जी नहीं रहता है, यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ, सिर्फ मैं अकेला। हम किसी सेठ जी को नहीं जानते हैं भाई साहब, और ना हम आपको जानते हैं। हाँ। जाइए आप, जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ मेहता साहब। ये नेम प्लेट दादा जी, नेम प्लेट। ये भोगीलाल जी भी नीचे मेरी नेम प्लेट देखी कंपाउंड में, आप भी पहचान गए थे ना कि मैं मेहता हूँ, वैसे थे, इन्होंने नेम प्लेट देखी और पहचान गए। जाइए जाइए आप, जाइए जाइए भाई साहब, आप जाइए। जी जी जाओ। एक मिनट रुको बागा। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, बाय। अरे एक मिनट, अरे सुन ले, मुझे जाना है, ऐसा मत कीजिए। अरे रमेश सुरेश, मेरी बात सुनो। अरे ऐसे आप किसी को ऐसा टिंगा टोली नहीं कर सकते। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं भोगीलाल जी?
भोगीलाल जी, एक बुजुर्ग के घर में इस तरह से हिंसा ठीक बात नहीं है। बीड़े ट्यूशन क्लासेस, ऐसा लग रहा है एक दो दिन पहले किसी बीड़े से मिला हूँ। ये कौन है? ये मेरा पोता है, टिपेंद्र जे, मतलब जितेंद्र, टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। ऐसे क्या बिजनेस है आपके बेटे का? उसकी दुकान है गड़ा ज्वेलर्स। ज्वेलर्स किचन में कोई और भी है क्या? बिल्ली। हाँ हाँ बिल्ली। हाँ बिल्कुल, ये आवाज आई। वहाँ पे मेरा पालतू कुत्ता है। ये कुछ गड़बड़ लग रही है। भागा, ये तुम्हें नहीं जानते पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। देखिए मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे सेठ जी के घर जाना है ना? हाँ। तुम्हारे सेठ जी वो कौड़ीमल, राइट? हाँ हाँ वही है, वही है, वही कोडीमल, कोडीमल। झूठ! तुम्हारे सेठ जी कोडीमल नहीं, बल्कि तुम जेठालाल के यहाँ काम करते, जेठालाल के यहाँ काम करते, जेठालाल के यहाँ काम करते, जेठालाल के यहाँ काम करते। हाँ वो शायद बाजू में रहते हैं, मैं जाता हूँ। अच्छा बाजू में रहते हैं, तो यहाँ कैसे आ गए तुम? वो गलती से मैं रास्ता भूल गया। पेमेंट लेना तो तुम्हें याद रहता है। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले जेठालाल का घर है ना? जेठालाल उसे सच पता चल गया है, कुछ करो अभी। क्या करूं? नहीं भोगीलाल जी, आपकी कोई गलत में नहीं हो रही है। सब अच्छे हैं। हाँ। अब अंदर चले। हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आइए आइए। सुंदर, तुम जिस स्कूल के स्टूडेंट हो ना, मैं वहां का हेडमास्टर हूं। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले जेठालाल का घर है और बाहर दरवाजे पे उसके नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। पीके साहब जरा जाइए, नेम प्लेट चेक कीजिए। पीके साहब आप रहने दीजिए, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। नहीं तुम नहीं जाओगे। ठीक है मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। कोई नहीं जाएगा। ठीक है वकील साहब, कोई नहीं जाएगा, यही रहिए। पीके साहब आप जाइए, नेम प्लेट चेक कीजिए। ठीक है। नेम प्लेट तो आपको निकालनी थी ना? मैंने तो कोमल भाभी को बोला था। मैंने माधवी भाभी को बोला था। हाँ नहीं बरोबर है, मुझे बोला था, लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि मैं कर लूंगी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने? हाँ। सॉरी। भोगीलाल जी, ये जेठालाल गड़ा का ही घर है। हो गया कल्याण, उसको सब पता चल गया। पैसे तो गए, अभी जमीन भी गई। वो जेठा ब्रा, वो ऐसे कैसे जमीन जाएगी हाथ से? वो मैं तो कहता हूँ बाहर चल के भोगीलाल पे हल्ला बोल देते हैं। सही बात है, तो आर या पार करना ही पड़ेगा। आज तो भोगीलाल तभी घर जाएगा जब वो पैसे देगा। अरे चुप ना। हाँ भोगीलाल। हाँ ये मेरा घर है भोगीलाल, जेठालाल चंपकलाल गड़ा का घर, गड़ा का घर, गड़ा का घर, गड़ा का घर, गड़ा का घर। और ये परम पूज्य चंपकलाल जी गड़ा जी जो है वो मेरा बापू जी है। और जो जमीन का सौदा करने तुम यहाँ आए हो ना, वो जमीन मेरे पुरखों की है। और जो जमीन का सौदा करवा रहा है वो सुंदर मेरा साला है। बोल क्या कर लेगा तू? चलो। ओ तो जेठालाल तुम्हारे जीजाजी हैं। अब मुझे समझ में आया कि ये सारा नाटक था। मतलब पहले तुमने धोखे से मुझे यहां बुलाया और उसके बाद मीठी मीठी बातें करके मुझसे पैसा ट्रांसफर कराने वाले थे, और एक बार मैं पैसा ट्रांसफर कर देता तो तुम एग्रीमेंट फाड़ देते।
क्यों, यही प्लान था ना? हाँ हाँ यही प्लान था। ये सिर्फ सुंदर का नहीं, हम सब का प्लान था। मतलब बाप बेटा साला और ये सब पड़ोसी मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मेरे साथ तुम लोगों ने जो खेल खेला है ना, खेल तो ऊपर वाले ने खेला है भोगीलाल। हम तो हमारा धंधा बचाने के लिए हमारे पुरखों की जमीन बेचने जा रहे थे, लेकिन देख उस जमीन का खरीदार तू निकला। और अच्छा हुआ कि उस जमीन का खरीदार तू निकला, किसी माँ ने तेरा झूठ तो पकड़ा गया। ओगिलाल ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम्हारा एक घिनौना रूप पूरी दुनिया के सामने आए। पर क्या फायदा, आप सबका ये प्लान तो टाइटाइफिस हो गया। नहीं भोगीलाल नहीं, न प्लान टाइटाइफिस हुआ है न प्लान फेल हुआ है। हम लोगों ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया और तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। भोगीलाल मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने झूठे निकलोगे। कल तुम कह रहे थे मेरे पास 50 रुपए तक नहीं है और आज तुम यहाँ 50 लाख एडवांस देने आ गए। एक ही दिन में कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? बोल बोल भोगीलाल, बताओ बताओ बोल भोगीलाल जी। अरे ये क्या बताएगा, इसके पास बताने के लिए कोई बहाना ही नहीं बचा है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है भोगीलाल। खेल मेरा नहीं बल्कि तुम लोगों का खत्म हो गया है। जेठालाल अब मैं तुम्हें तुम्हारे 50 लाख भी नहीं दूंगा और ये साइन किया हुआ एग्रीमेंट भी लेके चला जाऊंगा। भोगीलाल अभी तो तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम मुझे मेरे 50 लाख दे चुके होंगे, उसके पहले तो कोई भी यहाँ से तुम्हें हिलने तक नहीं देगा। क्यों दोस्तों? कैसे जाने नहीं दोगे? मेरे बॉडीगार्ड देखे रमेश सुरेश? यस सर। उसे छोड़ो, मेरे लिए रास्ता क्लियर करो। ओके सर। महिला मंडल बंद, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कसके बंद कसके, आंखें जल रही है, छोड़ो। वेरी गुड, आप लोग इतने सभ्य होकर ऐसे असभ्य काम मत करो प्लीज। अपने गिरेबान में झांक कर देखो ये वकील,
एक वकील होकर तुम ऐसे बेईमान इंसान का साथ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखा ना भोगीलाल, सीधे सीधे मेरे 50 लाख देते हो, वरना तुम्हारी हालत भी है, तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसी कर देंगे हम। क्यों दोस्तों? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जमीन के पेपर मेरे पास है। अरे अकाउंटेंट साहब, ओ अकाउंटेंट साहब, क्यों मेहनत कर रहे हो? ये वही मेहनत मत करो, चलिए तो मैं चलता हूं। मेहता साहब छीन लो कागज। सुनिए, इसके पास तो पिस्तौल है। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखता हूँ, तो पिस्तौल भी रख सकता हूँ। ओए भोगीलाल, तू शेर को पिस्तौल से डराता है? टोपी जा, वो सच्ची की गाने शेर का शिकार हो जाएगा। ओए छोड़ मैंने सुंदर। ये भोगीलाल, तू व्यापारी है कि गुंडा? चाचा जी, वैसे हूँ तो मैं व्यापारी, पर क्या करूँ, आप जैसे लोग मुझे गुंडा बनने पे मजबूर कर देते हैं। भोगीलाल, तुमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोगीलाल? हाँ सर, से सीधा भोगीलाल। सुंदर, तुझे भी देख लूंगा मैं, तेरे ये भोगीलाल बोलना ना तुझे कितने लाख का पड़ेगा देखना। तो चलो साइड में, साइड में जाओ साहब। बाबूजी, बाबूजी आइए। हेलो बबीता जी, एक्सक्यूज मी, साइड में, और पीछे, और पीछे, हाँ वेरी गुड, कोई होशियारी नहीं है पीछे। हाँ वेरी गुड, अब जमीन भी नहीं मिलेगी और 50 लाख भी नहीं मिलेंगे, देखता हूँ कौन लेता है। ठीक है साहब, अब ये लोग अंदर रहेंगे और हम लोग फुर हो जाएंगे। गन? जमीन के सारे पेपर्स मेरे पास हैं। अब जेठालाल की जमीन भी गई और पैसे भी गए। भोगीला जी, भगवान ने भलाई की शुरुआत आपसे कर दी। इन लोगों ने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की ना, अब देखना मैं उल्टा इन पे पुलिस केस ठोक देता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं रॉयल होटल का मालिक भोगीलाल बोल रहा हूँ, और इस वक्त मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम? वो पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ वही वही वही। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, गोकुलधाम वासियों ने मुझ पर हमला कर दिया है। व्हाट? गोकुलधाम वालों ने तुम पर हमला किया? हाँ। तुम सच बोल रहे हो ना? देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और जरा सा भी झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इन लोगों ने मेरे गार्ड को भी बंदी बना लिया है। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ जो जेठालाल रहता है ना, उसने अपनी जमीन के सौदे के लिए धोखे से मुझे अपने घर बुलाया और मेरे पास से जबरदस्ती पैसे निकलवाने चाहे। खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जेठालाल, उसकी इतनी हिम्मत? हाँ, हाँ, हाँ। उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? और तो और,
जब मैंने पैसे देने के लिए मना किया तो जेठालाल ने सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया गोकुलधाम वालों को? इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए, मेरी जान को खतरा है। ओहो रिलैक्स रिलैक्स, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके गोकुलधाम गोकुलधाम। भाई भगवान सबका भला करे, शुरुआत आपसे करे। काम करते बालकनी में जाते हैं, सोसाइटी में कोई ना कोई होगा ही, उसको बोलते भोगेला को पकड़ के रखो। सोसाइटी में रुकना ठीक नहीं, हम लोग पुलिस आएगी उसके बाद आएंगे। हाँ, जल्दी चलो। भोगीलाल, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। भोगीलाल से पंगा ले रहे थे, अब तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जमीन भी गई और तुम्हारे पैसे भी। अरे कुछ करो यार। मैं अब्दुल को फोन करता हूँ, बोल देता हूँ कि मेन गेट बंद कर दे या कि भागने ना पाए। जल्दी जल्दी। हेलो, इसका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क ही नहीं है यार, कुछ करो यार। दरवाजा तोड़ दे, यार रुकना ठीक नहीं, जल्दी चलो चलो। चलिए, चाबी चाबी कहाँ गई? कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं नहीं, मैं जब निकला तो कार की चाबी मैंने जेब में रखी थी। तोड़ी, तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे, तोड़ना ही पड़ेगा। कंपाउंड में कोई नहीं है? कोई नहीं है चाचा जी, कोई नहीं है। तोड़ा तोड़ा। अरे जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई आ जाएगा। मिल गई मिल गई, जल्दी चलो चलो चलो। वो तू ऐसे आया ना हम पे, तो हम जरा बच रहे थे, बाकी कुछ नहीं। सॉरी सॉरी, उसको उसको क्या हुआ? टायर पंचर है। यहाँ के भी दोनों टायर पंचर हैं। ये सोसाइटी में से ही किसी का काम है। अरे अब क्या करेंगे भोगीलाल जी? करना क्या है, फटाफट चलो भागो, ऐसे कार बाद में ले लेंगे। हाँ हाँ यारो, ये तो बहुत मजबूत दरवाजा है चाचा जी, कहीं ये सांप का लकड़ा तो नहीं? हाँ साग का लकड़ा है। साग का लकड़ा? हाँ। अरे बाप रे, फिर तो बहुत महंगा होता है साग का लकड़ा। आज के जमाने में उसका भाव कम से कम 7-8 हज़ार रुपए घन फुट है। अरे भाई भीड़े, कौन से जमाने में है तू? 7-8 हज़ार नहीं, 10 हज़ार से ऊपर का भाव। अरे क्या चर्चा कर रहे हो तुम दोनों, यहाँ मेरे 50 लाख और करोड़ की जमीन फंसी हुई है। 7-8 हज़ार, तू दरवाजा ताला लगा दिया इन लोगों ने। अरे अब क्या करेंगे, फंस गए। अरे सोनी भाई, आप थके हो तो साइड पे आ जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं सुंदर ब्रा, इस दरवाजे को कोई हाथ नहीं लाएगा। इस दरवाजे को सिर्फ मैं तोड़ूंगा, मैं। भोगीलाल अंकल, नीचे पकड़ 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 ये 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 Come on!
तो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो। अरे अंकल इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आपकी खातिरदारी करना भी बाकी है और सेवा भी। ये सेवा है? छोड़ो, मैं छोड़ो छोड़ो। अंकल कुछ बोला आपने? वो सुनाई नहीं दिया। हाँ बेटा, इन्होंने ये कहा कि हमें छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। अरे जल्दबाजी किस बात की अंकल, जाने देंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो फ्रेंड्स सबको बता के आते हैं। कहाँ जा रहे हो? हेलो। अरे बेटा छोड़ दो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, केस कर दूंगा। केस कर दूंगा मैं देख लूंगा तुम सबको। हाँ हेलो, देखो खोल, छोटी खोलो, चला जाएगा यार। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। हाँ करेगा करेगा। अरे नाचना बंद करो टप्पू। पहले ये बताओ तुम लोग नाच क्यों रहे हो? अरे भोगी लाल हमारे जमीन के कागज लेके भाग गया है, उसको ढूंढो, उसको रोको। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो, टप्पू सेना के होते हुए भाग ही नहीं सकते, हमने उनको बंदी बना कर रखा है। अरे वो अच्छा गार्डन में कॉलोनी की ट्राई मत करो, पुलिस हमें ऐसा बंदा देखेगी तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग होगा। मैं पुलिस से कहूंगा कि इंस्पेक्टर साहब देखिए देखिए, इन लोगों ने मेरे बॉडीगार्ड पे मिर्ची डाली और हमें ऐसे बांधकर हमसे जबरदस्ती पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह भोगीलाल जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इससे तो हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोचा करो अकेले, तुम हो या मैं? और भोगीलाल क्या हाल चाल, मजा आ रहा है ना? ये तो हिल ही नहीं रहा, यही हिल रहा। क्या थी अले छेद जाड़ी चामड़ी नो? और नहीं मजा आ रहा है तो अभी मजा दिलाते हैं ढोंगी लाल। क्या बात कर रहे हो सोडी जेठालाल, मजा क्यों नहीं आ रहा भाई? इनकी शक्ल देखो, हमारी मेहमान नवाजी का क्या लुत्फ उठा रहे हैं ये। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे, मजा तो मैं तुम सब लोगों को चखाने वाला हूं। तुम लोग जानते नहीं मुझे बांधकर तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर ली है। ओहो, देखो तो इन मासूम को, खुद ने बंदूक की नोक पे हम सबको बंद कर दिया तो वो गलती नहीं है, और हमने बंद कर दिया तो गलती हो गई। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, वाह। देखो ओके लाल, मैंने बोला था ना जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं यहाँ से जाऊंगा जेठालाल, और तुम सबको सबक सिखा के जाऊंगा। ओहो हो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी किधर जल गया यार? भिड़े ने कहावत बोली, मतलब इनका खेल खत्म हो गया है लेकिन हेकड़ी नहीं गई अभी तक। हेकड़ी तो तुम सबकी जाएगी जब पुलिस यहां आएगी। मैंने पुलिस को यहां बुला लिया है। अच्छा तो भोगीलाल भाई तूने ये एक अच्छा काम किया,
क्योंकि हम लोग भी पुलिस को बुला नहीं वाले थे। और जब तक पुलिस आती है तब तक चलो हम अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। हाँ जरा कागज देना तो। अरे कैसे दे पाएगा कागज बेचारा, हाथ बंधे हुए है। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, उसमें क्या। नहीं क्या, नहीं चल नट कर। एक आ गया, दूसरा किधर है? अरे दोनों साथ में ही है। दोनों साथ में? अच्छा हाँ हाँ दोनों। थैंक यू पप्पू जी। चलो जमीन के कागज आ गए, एग्रीमेंट भी आ गया, अभी सीधी तरीके से मेरे 50 लाख भी दे दो, उससे मैं तुम्हारी भलाई है भोगीलाल। जेठालाल तुम मुझे सीधे तरीके से यहाँ से जाने दो, इसमें तुम्हारा नहीं तुम सबका भला है। ए भोगीलाल तुम्हें जाना है ना, एक काम करो पहले हमारे पैसे दे दो, फिर हम तुम्हें खुद धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। सुंदर तुमने इन सबके साथ प्लान बना के मुझे फंसाया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ के रखो। अरे भाई तुम्हारे जैसी पार्टी मुझे फिर कब मिलेगी है? अभी तुम सब लोग हंस रहे हो ना, अभी थोड़ी देर में सब लोग रोओगे। अरे जितना रुलाना था वो तुम रुला चुके भोगीलाल। कोरोना का बहाना देके पैसे होने के बावजूद तुमने मुझे पेमेंट नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मेरा बरसों का जमा जमाया धंधा बंद करने की नौबत आ गई। अभी रोने की बारी तुम्हारी है भोगीलाल। भोगीलाल जब तक तुम जेठालाल के पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जेठालाल पैसे तो अब तुम्हें मिलने से रहे। और रही मुझे छोड़ने की बात तो तुम लोग खुद से मुझे छोड़ोगे। ओ यारो ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, इसकी तो अच्छी तरीके से ठोक बजा के खातिरदारी करनी पड़ेगी तभी इसकी अकल दिखा में आएगी। अरे छोड़ो छोड़ो उसे, मारो मारो मारो, रुक क्यों गए? अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और मुझे यहां से छुड़ा कर लेके जाएगी, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं 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 तुम्हारी बात करो, मैं पुलिस आएगी तुम्हें छुड़ा के ले जाएगी, लेकिन कहाँ ले जाएगी, सीधा पुलिस स्टेशन। क्योंकि मेरा पेमेंट मुझे ना देकर मुझे जो मानसिक परेशानी तुमने जो दी है ना, उसके लिए मैं तुम पे केस करूंगा। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। जेठालाल तुम्हारे केस करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे देने से कभी मना किया ही नहीं, उल्टा अब मैं तुम लोगों पे केस करूंगा। तुम लोगों ने मीठी मीठी बात करके मुझे घर बुलाया और मुझे ऐसे बंदी बना के मुझसे पैसे हटने की कोशिश की है। जेठालाल जी भले ही भोगीलाल जी से तुम्हें उधारी के पैसे लेने हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें इस तरह बंधक बना के डरा धमका के पैसे वसूलते हो ना तो तुम कानूनी तौर पे मुजरिम हो जाओगे, समझ लो। हाँ सच लॉयर कितने छुट्टी छुट्टी बोले छे। और इस लोकेशन से मेरे मोबाइल से 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ तो इस बात का पक्का सबूत हो जाएगा कि तुम लोगों ने मुझे बंदी बना के मुझसे पैसे लिए हैं। सबके सब फंसोगे फिर। भगवान जितना भगवान को याद करना है कर लो, क्योंकि तुम सब लोग अब जेल जाओगे, जेल। भाई भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे, क्यों पीके। हाँ भोगीलाल जी अभी पुलिस आएगी और मुझे डराने धमकाने और बंदी बनाने के जुर्म में
तुम सबको पकड़ के ले जाएगी और फिर जेल में जाके तुम सब लोग चक्की पीसोगे चक्की और हम लोग बाहर चैन की रोटी खाएंगे। देखना जेठालाल देखना आगे और क्या क्या होता है। भगवान सबका भला करे पर इसका कभी ना करे। ओ कुड़ाई जी अरे जवाड़ो जवाड़ो नहीं तो कुछ उंडी चट्टू ना हो जाए। हाँ छोड़ दीजिए इनको ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ। चोरी बराबर कह रहे हैं जाने दो इन्हें नहीं तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा। हाँ खोल दो इन्हें हमें जेल नहीं जाना। निकलते वाह वाह भोगीलाल क्या दिमाग लगाया है तुमने। बहुत शातिर हो भाई तुम बहुत शातिर लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। वो तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। अरे तुम्हारा पास सबूत है तो हमारा पास भी सबूत है। हमने ऊपर कैमरा लगा के सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। पका भैलू रिकॉर्डिंग तैयार है ना। हाँ तो झलक दिखला दो। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है जिजाजी वो जिजाजी जिंदाबाद तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है जिजाजी वो जिजाजी जिंदाबाद। अरे कौन है क्या ऐसा बात बंद करे। कभी कभी गलत कैसे बच जाती है पका चुप। और तू मोबाइल दिखा भाई रिकॉर्डिंग है वो। चल 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 अरे जल्दी कर। अब तो सिग्नेचर भी हो गए पेपर तैयार है अब तो पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। हाँ भोगीलाल ये मेरा घर है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जमीन के पेपर मेरे पास ले लो ले लो। पीछे अब बोलो पुलिस किसे ले जाएगी और कौन जाएगा जेल। हाँ पुलिस को ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर हम कहेंगे कि हमने अपने बचाव के लिए तुम्हें बांध कर रखा है और हमें डराने धमकाने के इल्जाम में हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। समझे वकील साहब। और यह रिकॉर्डिंग से एक मेन बात यह भी साबित हो जाएगी भोगीलाल कि तुम्हारे पास 50 लाख होने के बावजूद तुमने जानबूझ के मुझे मेरा पेमेंट नहीं दिया मेरे साथ चीटिंग की। हाँ। अरे बाप रे फंस गया। अब क्या करोगे भोगीलाल पैसे दोगे कि नहीं। अरे बोलो, बोलो। देखो तुम लोग मुझसे दुश्मनी करके ठीक नहीं कर रहे हो। यार दुश्मनी वाली तुझे शर्म नहीं आती। अरे तूने तो अपने पिताजी और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अरे तेरे पिताजी हराम का एक पैसा नहीं लेते थे और तू देख चलो अभी चुपचाप हमारे पैसे दे दे उसी में तेरी भलाई है। देखिए भोगीलाल अंकल आप सीधे सीधे पापा के पैसे वापस कीजिए वरना मैं अभी के अभी आपका ये वीडियो वायरल करता हूं। कर दे टप्पू वीडियो वायरल कर दे। क्या इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी ना तो कानून खुद ब खुद मेरे पैसे इससे दिलवा देंगे। हाँ कर दे। हाँ और साथ में पूरे बचाव में इसकी थूथू हो जाएगी। टपूड़ा वीडियो वायरल कर दे। अरे नहीं नहीं रुको 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 क्या बोल रहा है। एक मिनट मेहता साहब बोल ही रहा है एक मिनट। जेठालाल मुझे खोल दो मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करता हूँ। हाँ
सच्ची या फिर ये आपका कोई नया झूठ है? मेरे पिताजी की कसम, क्या मानुस है स्वर्गवासी पिताजी की कसम खा रहा है? ओ यारो ये झूठा है झूठा, इसने तो अपने बेटे की भी झूठी कसम खाई थी। ना निर्लज्ज, अरे वो मेरा बेटा थोड़ी था, वो तो मैंने कसम खाने के लिए किसी की भी फोटो रखी हुई है। हाँ तो भाई हो, तुम्हारे ऑफिस में जो पिताजी की फोटो टंगी हुई है वो तुम्हारे असली पिताजी है कि झूठी कसम खाने के लिए किसी की फोटो लगाई है वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, वो मेरे पिताजी मणिलाल जी की फोटो है। जेठालाल, जेठालाल मुझे खोल दो, प्लीज मुझे खोल दो। मैं अपने धन्ने की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, खोलता हूँ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? हाँ, ये कोट की जेब में, इधर। हाथ तो खुले ही है, हाँ? तो मोबाइल ऑन करके पैसा ट्रांसफर कर दो। वेरी गुड, अच्छे। जेठालाल, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। चेक कर लो। क्या चेक कर लो? मैसेज का टूट टूट वो आवाज तो आया नहीं। एक मिनट, कोई मैसेज आया है। आगे 50 लाख आ गए। गोकुल धामच्या युनिटीचा। भोगीलाल, अब लगे हाथ मेरे भी 2 लाख ट्रांसफर कर दो। नहीं 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 सीता जी, ये तो मेरे पिछले सौदे की दलाली के लेने, वो ले रहा हूँ, इस सौदे में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। सुंदर भाई, 2,10,000। नहीं नहीं, मेरे तो सिर्फ 2 लाख ही है। नहीं नहीं नहीं, 10,000 रुपए सेठ जी ने भोगीलाल को उसकी ऑफिस में कैश दिए थे, वो भी। स्मार्ट, हाँ तो 2,10,000 कर दो। हाँ, 2 लाख सुंदर भाई के अकाउंट में और 10,000 रुपए सेठ जी के अकाउंट में। नहीं नहीं बका, 2,10,000 पूरा सुंदर के खाते में ही जाने दे। वो टैक्सी करके अहमदाबाद से आया है ना, रहने दो राजीता जी। अरे नहीं नहीं, क्या राखने मजा करने। आधा रख के क्या करूंगा? नहीं, क्या है कि अभी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है ना, तो अहमदाबाद मुंबई आने जाने का 20,000 रुपया होता है। बात नहीं, जाने दो ना। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भाई, ए भोगीलाल, ये सुंदर के खाते में 2,20,000 ट्रांसफर कर देना। हाँ तो फिर एक काम करो, 2,21,000 करो। क्यों 2,21,000 क्यों? ये शगुन का आंकड़ा है ना, 21, इसलिए। नहीं नहीं, आंकड़ा नहीं रे, कपड़ा। वो क्या है, भोगीलाल के ऑफिस में मैं सेक्रेटरी बन के गया था ना एनआरआई का, तो जेठालाल ने मुझे बोला था कि कोई अच्छे कपड़े पहन के जाना, कुर्ता पहन के मत जाना, तो मैंने वो भाड़े से सूट मंगाया था, उसका 1,000 रुपया। हाँ तो वो 1,000 रुपया मैं तुझे दे दूंगा। अरे पर लेकिन वो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा। अरे भाई, वो 2,21,000 पूरा सुंदर के खाते में जाएगा ना, फिर अहमदाबाद से वापस 1,000 रुपया। हाँ नहीं ठीक है ठीक है, फिर 2,20 ही बराबर है। क्या आप लोग भी ऐसा कोई करता है क्या? प्लीज
अब तो मुझे जाने दो। सुंदर भाई वो जूतों का हार। अरे नहीं नहीं पक्का, हमें कोई जूतों का हार नहीं पहनाना है। हमारे पैसे मिल गए ना, बस हमें इसके जैसा नहीं होना है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा चाचा जी। आखिर आया तो हमारे गोकुल धाम में है ना, और गोकुल धाम की हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम बेइज्जत नहीं करते, उसका अपमान नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति कैसा ही हो। और भोगीलाल अब सुधर जा भाई, सुधर जा, इस वाक्य से कुछ सीख ले और सुधर जा। अरे तेरे पिताजी कितने नेक इंसान थे, तू भी उनके जैसा बनने की कोशिश कर अब। और हाँ, जिन जिन के पैसे खाए हैं ना, उन सब के पैसे लौटा देना। यस। नाओ। और अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा वीडियो है हमारे पास। और मैं एक पत्रकार हूँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ। उसके डिजिटल एडिशन का मैं हेड हूँ, तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं सुधर जाऊंगा और सब लोगों के पैसे भी लौटा दूंगा। अब प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। ओए ऐसे कैसे जाने देंगे तुझे, वो तेरी पिटाई तो हम धूमधाम से करेंगे। क्यों यार, आज गोकुल धाम वाले बहुत नाच रहे हैं, लेकिन आज मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। गाड़ी को आगे रखो। क्या नाच गाना चल रहा है? अरे पुलिस मतलब ये तो चालू जी पांडे जी है। इसमें वाह क्या पांडे जी, जेठा प्रा का कहने का ये मतलब है कि खुशी का माहौल है। ओ जी ऐसी भी भांगड़ा संगड़ा पा रहे, तुसी भी नचो गाओ। शट अप, आई कांट डांस। कोई बात नहीं, जैसा भी आपको आता वाड़ा तेरा चलेगा, इधर किसको आता है। अरे आई एम ऑन ड्यूटी, हाउ कैन आई डांस ऐसे? और तुम लोग भी नहीं नाच सकते। क्यों क्यों? अरे तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट हुई है और तुम लोग डांस कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो। देखिए चालू जी, पांडे जी। चुप चुप जेठालाल, कंप्लेंट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुमने भोगीलाल और उसके आदमी पर हमला किया है और तुम सब ने जेठालाल का साथ दिया है, इसलिए सब के सब अपराधी हो। देखिए देखिए पांडे साहब, ऐसी बात नहीं है। अरे रहने दो, मुझे पता है कैसी बात है। हर गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। तुम लोग हर बार मुझे बुलाकर केस अपने आप ही सॉल्व कर लेते हो ना, लेकिन इस बार ऊपर वाले का करिश्मा देखो, केस तुम लोगों के खिलाफ ही है, इसलिए ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। थैंक यू गॉड, I really appreciate it. ऐसी ही दया बनाए रखना। पांचाल, जरा भोगीलाल को फोन लगाओ और पूछो कहाँ है वो। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही भोगीलाल हूँ। क्या? हाँ? भोगीलाल जी, आप यहीं हो और बोलते भी नहीं हो यहाँ हो। अरे वो क्या बोलेगा, वो जानता है ना खामोश रहने में उसकी भलाई है। हाँ। हे मास्टर, पुलिस के सामने फरियादी को ना बोलने की धमकी देते हो। अरे सिम, अरे नहीं 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 पांडे साहब, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े के कहने का मतलब ये था कि भोगीलाल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो वही फंसेगा, इसीलिए खामोश रहने में भलाई है। हाँ। किस बात के लिए फंसेगा? वो तो आप भोगीलाल से ही पूछे। अरे यार क्या लगा रखा है, जो बात मैं भोगीलाल जी से पूछता हूँ उसका जवाब तुम लोग देते हो। नहीं वो क्या है ना सर, एक्चुअली चुप, आ
अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा. Is that clear? Aye aye sir. ये अकेला ही बोलेगा कि सब लोग भी बोलेंगे? हाँ तो भोगीलाल जी, गोकुल धाम वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले आप ही हो ना? जी. घबराइए नहीं, बताइए इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है? आप बोलो बोलो. मैंने अभी अभी बोला ना कि जिससे मैं पूछूं वही जवाब देगा. किससे पूछा मैंने? भोगीलाल जी से ना. बोलो भोगीलाल जी, आपके साथ इन लोगों ने क्या किया है? हाँ बोलिए भोगीलाल जी, बोलिए. मेरे रहते हुए ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते. बोलिए. वो कुछ नहीं हुआ. अरे यार, फोन पर तो ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाइए, गोकुल धाम वालों ने हम पर हमला किया हुआ है, हमारी जान को खतरा है, और अभी बोलते कुछ नहीं हुआ. इंस्पेक्टर साहब जाने दीजिए ना, मामला अब निपट गया है. निपट गया? अरे ऐसे कैसे निपट गया? देखो सच सच बोलो भोगीलाल जी, ये तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेगे ठंडे. बोलो बोलो भोगीलाल जी, प्लीज बोलो यार. ए जनरल तुम बोलो. मैं क्या बोलू? अरे मैंने भोगीलाल जी से पूछा कि तुमने फोन क्यों किया, तो ये कह रहे हैं कि निपट गया. मैं पूछ रहा हूं कि क्या निपट गया, बोलो. पर अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना कि मैं जिसको पूछूं वही जवाब देगा, तो ये सवाल तो आपने भोगीलाल को पूछा था, उसका जवाब मैं दूं? अरे तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं जेठालाल कि क्या निपट गया, बोलो. अच्छा ओके. भोगीलाल बता दूं? क्या पूछ रहा है? रेस्टिंग? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ. दरअसल चालू जी, पांडे जी, क्या हुआ? 50 लाख का पेमेंट बाकी है बापा. इस महामारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है. सर आपको कितने कमरे बुक करवाने? पूरा होटल बुक कराना है. पैसों के साथ अंदर भेज दो. आइए आइए बग्गा साहब, जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ. जेठालाल मेरा यकीन करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है. अरे जेठिया, मेरे पास सोने का टुकड़ा है. सोने का टुकड़ा? सोने का टुकड़ा मतलब हमारी बचाव की जमीन. तू वो जमीन बेच दे है? और अपना उधार चुका ले. मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ. आवाज कई सुनी सुनी लग रही है. तेरे पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ भोगीलाल है. भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं नहीं बाबूजी, तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए. पहले वो वीडियो दिखा चालू जी पांडे जी को. देखो गोकुल धाम में पहले कभी देखा नहीं, नया रहने को है. मैं अहमदाबाद में रहता हूँ. करता क्या? मैं सुंदर भाई का दोस्त हूँ, वो जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ. ये चालू करते थे. ए भोगी, ये सब क्या है? वो इंस्पेक्टर साहब, वो चुप. खुद लोगों को गन दिखाकर डराता है और पुलिस को झूठी कंप्लेंट करता है कि देखो देखो मुझ पर हमला हुआ है. वो गन नकली थी. अच्छा, पकड़े जाने पर गन नकली हो गई? नहीं नहीं, सच में नकली थी. गन नकली है या असली वो पुलिस चेक करेगी.
गन दो। गन तो जेठालाल के घर पे है। पांडे जी गन मेरे पास है। डॉक्टर साहब आपके पास गन? हाँ, दरअसल क्या हुआ कि सब लोग भोगीलाल को पकड़ने के लिए भागे और मैं पीछे रह गया, तो मैंने तब वहां देखा कि गन पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि आते जाते किसी को लग गई तो, इसलिए मैंने गन उठा ली। ओहो, शार्प माइंड। अरे पर डॉक्टर हाथी, आप तो सबसे आखिर में थे, और किसके पांव में लगती आपके बाद? नहीं नहीं, क्यों, बाद में जेठा भाई, चाचा जी, टप्पू घर जाते तो उनको लग सकती थी ना। डॉक्टर साहब, कैन आई हैव द गन प्लीज? हाँ, एक मिनट। भोगीलाल, यू राइट, ये गन नकली है, लेकिन इन लोगों को डराने से पहले इन्फॉर्म किया था ये गन नकली है। नहीं ना, तो इस नकली गन से असली डर पैदा करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। यस, गुड। हाँ, ले जाओ ले जाओ। चलो जी, पांडे जी ले जाइए इसको। इसने मेरे जैसे कई लोगों के साथ लाखों रुपए की चीटिंग की है। हाँ, मैं कुछ अपना पर्सनल शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ? हाँ, जरूर कीजिए कीजिए। मुझे चीटिंग से सख्त नफरत है। मेरे खुद के पैसे बैंक में अटके हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कैसे कैसे? एफडी, बैंक में एफडी रखा था। अच्छा। हाँ, इनके जैसे लोग बैंक से लोन लेते हैं, बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं, फिर बैंक हम जैसे ईमानदार लोगों के सामने हाथ ऊपर कर देती है और बोलती है हम उठ गए। हम भी उठ ही जाएंगे ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल बराबर। ये तो गलत बात है। हाँ, बहुत गलत बात है। ए, चलो भी। आ, पांडे जी, एक मिनट एक मिनट। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? कौन से बैंक में? नहीं नहीं, मेरे कोई पैसे नहीं फंसे पांडे जी। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आप इनको लेके जा रहे, इनकी गाड़ी और बाइक कंपाउंड में है, तो तुम बोलो। मैं क्या बोलूं पांडे जी, मैं तो खाली आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि अभी इन पे आप कार्रवाई कर ही रहे, तो वो भी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। ए पांचाल, टोइंग वाले को बोल दे सोसाइटी में जितनी भी गाड़ी और बाइक है वो जब्त करके पुलिस स्टेशन में लेकर आए। जी। नहीं नहीं, सब नहीं सब नहीं, सोसाइटी में मेरा भी स्कूटर है सखाराम, उसको मत हाथ लगाना प्लीज। अच्छा, कौन से कलर का है? पीले कलर का। पांचाल, पीले कलर के स्कूटर को छोड़कर जितनी भी गाड़ी और बाइक है उठा के सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जी। इंस्पेक्टर साहब, अंदर मेरी एक सफेद रंग की टैक्सी है, मैं अहमदाबाद से लेके आया था, वो तो मुझे वापस ले जानी पड़ेगी, उसे छोड़ देना साहब। पांचाल, पीले कलर का स्कूटर और व्हाइट गाड़ी को छोड़कर सोसाइटी में सब गाड़ियां और स्कूटर जब्त करके पुलिस स्टेशन लेकर आओ। चलो। वो छोड़ के तो यही है ना। हाँ। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, इस घटना को जो आपने रिकॉर्ड किया है वो काम हमारा है। आइंदा से आपको ऐसे ही केस सॉल्व करना है तो प्लीज हमें मत बुलाइए, ओके? और हमने तो आपको बुलाया नहीं था। Now it's time to move on. ए, चल। चलो चलो। दोबारा यार पैर मत रखना। नहीं नहीं, आपको नहीं, वो भोगीलाल को बोल रहा हूँ। मोस्ट वेलकम। जल्दी चल। चलो, क्वेक, क्वेक, क्वेक। टप्पू सेना, तुम्हें बताई, क्योंकि भोगीलाल पकड़ा गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाई जोरदार तालियां टप्पू सेना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता ही था कि वो चालाकी करके नीचे आएंगे और गाड़ी में जाएंगे, और तब तक हमने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और सोसाइटी का गेट लॉक कर दिया।
और पापा की गड्डी से रस्सी का भी इंतजाम हो गया। वाह वाह मेरे शेर, कर दिया तूने भोगी को ढेर। फिर मैं और टप्पू सेना चोरा बोतल के साथ भोगीलाल का इंतजार कर रहे थे। वाह 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 वाह, शाबाश अब्दुल। और फाइनली जब वो लोग नीचे आए, हम सब ने मिलकर उन्हें घेर लिया और रस्सी से उन्हें बांध दिया। बागा भाई, आप सुसाइड में कब आए पता ही नहीं चला। अरे हाँ, ये बागा ने अचानक आके सबको एकदम चौंका ही दिया। अरे वो भोगीलाल अच्छा भला पैसे वो ट्रांसफर करने ही वाला था कि इसने आके सब गड़बड़ कर दी। चल भाई अभी तो बता कि तू यहाँ आया क्यों। हाँ। वो सेठ जी, कल रात को आपने बुरा सपना देख लिया था ना, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी कि आप कहीं दुकान बेचने का गलत निर्णय ना ले ले, इसलिए आपकी खबर पूछने आया। वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी की फोटो फ्रेम उसके हाथ पे गिरी और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई, वरना हमारे हाथ से बाजी गई थी। और पोपटलाल, अब ये नकारात्मक बात छोड़ो ना, है? अभी ये सोचो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंत कितना सुखद हुआ। सही बात है, जेठालाल के 50 लाख रुपए भी मिल गए और जमीन भी हाथ से नहीं गई। जेठा जी आपके पैसे आ गए तो मतलब सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, मेरे पैसे आ गए, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अभी मैं एकदम खुश हम खुश हूँ। ग्रेट, सच में आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे मुश्किल वक्त में आप सब ने मिलके जो। अरे भाई जेठालाल, शुक्रिया और धन्यवाद तो परायों को किया जाता है, हम सब तो अपने हैं। हाँ, ये औपचारिकता छोड़ो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। गोकुलधाम सोसाइटी चाओ, टपू सेनेता सुंदर मामा। चलिए जो हुआ अच्छा हुआ। सेठ जी, अगर हम आज ही रामसंग कंपनी का पेमेंट क्लियर कर देंगे तो अय्यर भाई के 100 टेप की डिलीवरी आज ही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। वाह 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 वाह। और तो फिर चलो यारो, बजाते हैं ढोल और बनाते हैं माहौल, और उसके बाद होगी फाफड़ा जलेबी की पार्टी। आप लोग थैंक यू मत बोलिए, मुझे आप सबको थैंक यू कहना चाहिए, सच में आप सबको थैंक यू। आज मैं अपने गोकुलधाम परिवार का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। सिर्फ गोकुलधाम परिवार को, मुझे नहीं। अरे नहीं भाई, तू भी भाई, तेरी वजह से ही तो वो भोगीलाल हमारे शकंजे में आया। सही बात है। अरे मैं तो मजा कर रहा था जीजा जी। और जेठिया के फंसे हुए पैसे भी मिल गए। हाँ। छोड़िए, हमने जो नाटक किया था ना, वो इनाराय बनने का, सेक्रेटरी बनने का, तो मुझे सूट पहनने का बहुत मजा आया उसमें। आइडिया मैंने दिया था भिड़े, ये मत बोलो। भिड़े ये ले वो सूट का भाड़ा। अरे नहीं नहीं जेठालाल, मैंने भाड़े के लिए नहीं बोला जेठालाल, मुझे सच में मजा आया था नाटक करने में। और तुम बाद में देना रही है, बाद में देना। अरे अभी देना, बाद में देना, बात तो एक ही है ना, तो बाद में मैं भूल जाऊंगा पहले। अरे नहीं नहीं, बाद में दो चेता, बाद में। हाँ ले 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 मास्टर, ले ले। हाँ ओके, ले ले। थैंक यू चाचाजी, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे थैंक यू, थैंक यू माय डियर जीजा जी। तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो सुंदर? अरे जीजा जी की वजह से मुझे पुराने सौदे की भी दलाली मिल गई। बाकी ये भोगीलाल तो ऐसा इंसान था कि वो सुंदर की भी टोपी घुमा देता।
जीजा जी, अब तो मैं बेना को सब सच बता सकता हूँ ना, है? मतलब दया भाभी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक? अरे नहीं माधवी भाभी, माय डियर जीजा जी ने मुझे बोला था कि ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ भी मत बताना। और मैं अहमदाबाद से निकल रहा था तब माय डियर बेना ने मुझे बहुत पूछा कि वीरा मुंबई क्यों जा रहा है, कुछ तो बता। पर मैंने कुछ नहीं बताया। पर माय डियर जीजा जी, अब मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना और बेन मुझे पूछेगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा। हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि उसे मैं खुद अपने मुंह से बताना चाहता हूँ, इसलिए तू जल्द से जल्द उसको भी मुंबई भेज भाई। हाँ मामा, मैं भी मम्मी को बहुत मिस करता हूँ, मम्मी को जल्द से जल्द भेजिए ना। नहीं, मैं बेना को नहीं भेज सकता। क्यों क्यों नहीं भेज सकता? देख सुंदर, तू नहीं बोला था एक बार वैक्सीन आ जाएगी मैं तुरंत दया को मुंबई भेज दूंगा, तो वैक्सीन तो आ गई है ना भाई? हाँ, अरे वैक्सीन भले आ गई हो पर पहले सबको लग जाने दो। और अभी ये समय ठीक नहीं है, धन मकर ने कुंभ, जातक ने पड़ावे बूम। आप जातक हो और आपके लिए ये समय सही नहीं है। तो ज्योतिष भी जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता, पर माँ जानती है ना, माँ ने ही मुझे ये सब कुछ बताया है। मैं माँ को पूछकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ, फिर आप अहमदाबाद आना और बहना को तैयार कर ले जाना। चलो चलो जीजा जी, मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे लेट हो रहा है, चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू जयंती दादा, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारे पुरखों की जमीन बच गई। हाँ टपुड़ा, एकदम सही कहा तुमने, अगर बापूजी की फोटो सही समय पे भोगीलाल के हाथ पे ना गिरती ना, तो वो बदमाश तो बंदूक की नोक पे हमारे जमीन के कागजात लेकर यहाँ से भागने में सफल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, दादाजी ने हमारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से मदद की। और हम कितने लकी है कि हमारे सर पे दो दो वडीलों के आशीर्वाद है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। टपू बेटा, अगर हमारे वडीलों के आशीर्वाद हमारे सर पे हो ना, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो हमेशा हमारे हित की रक्षा करते हैं, हमें बस उनके संस्कारों का पालन करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। जेठिया ने भी अपने पुरखों की तरह मुसीबत में ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए देख आज वो कितना खुश है। और उस भोगीलाल ने अपने पुरखों के संस्कारों की अवहेलना की, इसलिए आज वो जेल में। टपू बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं छीनने चाहिए, हम जो भी काम करें उसे नीति से करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उस भोगीलाल जैसी दुर्बुद्धि ना दे, बल्कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वाह वाह बापू जी वाह, टप्पू समझा ना? हाँ हाँ पापा। चल जेठिया, अभी तेरे 50 लाख रुपए मिल गए ना, तो अभी सबसे पहले 40 लाख रुपए उस रामसंग कंपनी को दे दे, ताकि हमारा धंधा फिर से इन्हें धम धोकार शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी बिल्कुल। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। सीट जी, मस्त मजा आ रहा है नहीं? किस चीज को लेके? ये अपनी दुकान देखिए ना, फिर से कैसी मस्त चल पड़ी, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। सच में विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे थैंक यू बागा, ये कपरी परिस्थिति में भी तूने मेरा जबरदस्त साथ दिया भाई, थैंक यू। सेठ जी, आप हम लोगों का कितना ख्याल रखते हो, तो हमारा फर्ज नहीं है कि ऐसी कपरी परिस्थिति में हम आपका साथ दें? ले नटू काका का फोन। अरे वाह,
बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी आपको बहुत बहुत बधाई। बागा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि आपके सारे दुख दूर हो गए। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। सेठ जी अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। नटू काका आप भी कमाल। और बोलिए। और क्या बोलू, जो बोल रहा हूँ वो तो आप सुन नहीं रहे। नहीं सुन रहा हूँ ना। क्या सुन रहा हूँ, आपने सुन के भी अनसुना कर दिया। नहीं नहीं बिल्कुल सुना मैंने, आपने इतना जबरदस्त जोक मारा मैंने सुना और हंसा भी। अच्छा क्या जोक मारा? नटू काका ने बोला कि सेठ जी अब तो हमारी पकड़ बढ़ा दीजिए। बोलो। ये कोरोना चालू हुआ तब से वो गाँव में, फिर भी हर महीने मैं उनका टाइम टू टाइम पगार भेजता हूँ, फिर भी बोल रहे अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। बोलो। आपकी यही सब बातें मैं बहुत मिस करता हूँ नटू काका। आप बोलो तो मुंबई आ जाता हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, आप पहले वैक्सीन लगवा लो उसके बाद आ जाना। पहला डोज ले लिया है, दूसरा बाकी है। हाँ तो दूसरा भी आप ले लो ना, उसके बाद आ जाना। ठीक है ठीक है सेठ जी। ओके ओके चल। अरे भागा वो शॉर्ट टाइप की डिलीवरी आ गई कि नहीं? नहीं सेठ जी अभी तक नहीं आए। अरे पेमेंट तो भेज दिया ना तूने? हाँ हाँ मैंने उनको पेमेंट कब का आरटीजीएस कर दिया है। तो अभी क्या है, अभी क्यों नहीं दे रहा डिलीवरी? हाँ रामशंकर कंपनी मैनेजर मैडम। Yes? हाँ मैडम मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ जेठालाल जी। मैडम हमने वो आपका पेमेंट है वो आरटीजीएस कब का कर दिया, जरा चेक कीजिए ना मिल गया क्या नहीं। एक मिनट जेठालाल जी। हाँ जेठालाल जी आपका पेमेंट मिल गया है और मैंने आपकी 100 टैब की डिलीवरी भी आपकी दुकान पर करवा दी है। अरे वाह थैंक यू मैडम थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी मिल गया पेमेंट? पेमेंट मिल गया और उन्होंने 100 टैब की डिलीवरी भी रवाना कर दी है। अरे वाह। सेठ जी 100 टैब आ गए। ले। अरे वाह आ गए। मैं वही तो बोला, सुना नहीं क्या? मगन ये क्या तरीका है बात करने का? अरे ये क्या तू लव करवा बैठो है नहीं? अरे भाई छोड़ने भाई, तू एक काम कर फटाफट वो शॉर्ट अप की डिलीवरी अय्यर भाई की ऑफिस पहुंचाने की व्यवस्था चालू कर, तब तक मैं उनके बॉस को ये खुशखबर दे देता हूँ। जी सेठ जी। हेलो। हाँ सर मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए बोलिए जेठालाल जी। हाँ सर वो शॉर्ट टैब कंपनी से मेरे पास आ गए, तभी थोड़ी देर में आपको डिलीवरी मिल जाएगी सर। थैंक यू वेरी मच जेठालाल जी। अरे नहीं नहीं आपको थैंक यू सर, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने ऑर्डर मुझे दिया। यस बिकॉज़ यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन एंड आई लाइक इट। थैंक यू जो भी चैट। थैंक यू सर। सर जेठालाल ने 100 टैब्स का डिलीवरी कर दिया। ये रैमसंग टैब है ना? हां हां रैमसंग कंपनी का ही टैब है। आई आर यू डन अ ग्रेट जॉब, आई एम वेरी हैप्पी। Thank you sir, thank you. Come on. सारा डिपार्टमेंट के सामने मैं तुम्हें appreciate करेगा। नहीं नहीं सर उसका कोई जरूरत नहीं है, अभी आपने बोल दिया तो बस हो गया। No 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 no. You've done so much for the company. IR, you deserve it. ये लीजिए जेठा जी रसगुल्ले। अरे बबीता जी रसगुल्ले किस खुशी में? 100 टेप एक साथ अरेंज कर मेरे ऑफिस में पहुँचाया उस खुशी में। अरे so sweet. रसगुल्ला स्वीट ही होता है जेठालाल। जेठालाल ये रसगुल्ला तुम्हारे लिए स्पेशली कोलकाता से मंगाया। अरे नहीं 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 घर पर बनाया है। वाह क्या बात है बबीता जी। जेठालाल ये सब तुमको अकेले को फिनिश करना है। अरे सवाल ही नहीं है यार भाई, बबीता जी ने इतने प्यार से अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए हो तो ऐसा एक क्या दो तीन डब्बों में अकेला खा सकता हूँ। जेठा जी रसगुल्ले मैंने नहीं बनाए। तो अय्यर ने बनाए। अय्यर भाई ने? हाँ रसगुल्ले। यार भाई आपको रसगुल्ले बनाना आता है? मालूम नहीं पहली बार कोशिश किया है, अभी तुम कहा कर बताओगे खाने लायक बना है या यार भाई आपने पहली बार रसगुल्ले बनाए उसका प्रयोग आप मेरे ऊपर करना चाहते हैं? हाँ तो क्यों? क्योंकि जय डलाल तुमको रसगुल्ला बहुत पसंद है।
और रसगुल्ले का अदली टेस्ट कैसा होना चाहिए ये तुमसे अच्छा कौन बता सकता है। अरे क्या बात कर रहे हैं यार भाई, बबीता जी है ना, रसगुल्ले के असली जौहरी तो बबीता जी है। मैंने बोला था यार को कि जेठा जी को देने से पहले मुझे एक बच्चा खाओ, पर उसने बोला नहीं। ले क्यों? क्योंकि जेठा लाल अभी रसगुल्ला मैंने बनाया है तो बबीता तो मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा ना। लेकिन तुम एकदम करेक्ट ओपिनियन देगा, रसगुल्ला बेकार बना है तो तुम मेरे मुंह पर बोलेगा कि अय्यर भाई रसगुल्ला एकदम बेकार बना है। तो अभी ये रसगुल्ला खाओ और बताओ कि ये अच्छा बनाया है या नहीं। ऑल द बेस्ट। बबीता जी आप डरा रहे हैं। बबीता दे दे तो नॉट बेयर। मैंने क्या किया? खाओ खाओ जनरल, खाओ 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 आ आ खाओ खाओ। मस्त बने। Really? अरे बहुत अच्छा। अरे हल्का था तो इडली का जैसा लगा थोड़ा। क्या है डले? मजाक मजाक, आप लीजिए आप लीजिए। बहुत अच्छा, क्या तो पड़ेगा ही, क्या बात है ये। क्या बात है ये, दिस इज वेरी नाइस। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ही बनाना।